हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका स्वतंत्र प्राइवेट आईडी के डिजिटल क्लासेस में। मेरा आज का टॉपिक है चतुर्भुज। तो मेरे चतुर्भुज में क्या दिया हुआ है, देखिए दो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन वन क्वेश्चन टू, इसको हमको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन वन को हम देखते हैं सबसे पहले क्या दिया है। देखिए ए बी बराबर 90 mm दिया हुआ है, बी सी बराबर 75 mm दिया हुआ है, सी डी बराबर 50 mm दिया है और डी ए बराबर 60 mm दिया हुआ है और बी डी बराबर 100 mm दिया हुआ है। तो इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे ये देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी एक रेखा खींचेंगे जो 90 mm का होगा। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, ए बी एक रेखा खींच लेंगे 90 mm का। फिर आते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है, बी सी, बी सी बराबर कितना है 75 mm। तो बी यहां पर है, सी इधर बनेगा। आपको क्या करना है, आपको 75 mm माप लेना है कंपास में, ढेलसुई में, और जिधर भी 75 mm होगा इस प्रकार से एक चाप काट देना है आपको बड़ा ऐसा। चाप काटने के बाद फिर आ जाते हैं नीचे, सी डी बराबर कितना दिया है 50 mm दिया। तो अभी सी निकला ही नहीं है तो बी कहां से निकलेगा, तो डी हम लोग को अभी नहीं बनाना है। आ जाते हैं डी ए, डी ए कितना दिया है, ये डी ए होगा यहाँ पे वो 60 mm दिया है। तो हम क्या करेंगे, डेढ़ में 60 mm माप लेंगे, यहां से भी एक चाप काट देंगे इस प्रकार से, एक चाप काटेंगे बड़ा ऐसा। फिर बी डी बराबर कितना दिया है, 100 mm दिया है। तो B और D इधर 100 mm दिया है, आपका ये क्रॉस आएगा कितना 100 mm। तो इसको क्या करना है, आपको 100 mm डेढ़ सौ को माप लेना है और यहां से 100 mm आपका जहां पर आएगा ऐसे चाप काट देना है। 100 mm जहां आएगा वहां चाप काट देना है इस प्रकार से। चाप काटने के बाद ये D वाला पॉइंट आपका निकल जाएगा और इसको डीए को मिला देना है, डीए मिल जाएगा। तो बचा क्या, यहाँ सीडी बचा था मेरा, सीडी बाद बाकी तो सब खींच लिया हम लोग, सीडी बचा हुआ है। सीडी को आपको क्या करना है, बनाना है। तो सीडी आप कैसे बनाइएगा, डी आपका पॉइंट निकल गया कितना में, 50 mm में, तो 150 mm में 50 mm लीजिएगा और जहां पर होगा वहां पर इस प्रकार से चाप काट देना है आपको। तो ये क्या हो जाएगा, सी निकल जाएगा, ये देखिए ये इस प्रकार से मिल जाएगा और ये वाला पॉइंट आपका ऐसे मिल जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा 100 mm। आप इस तरह से क्या कीजिएगा, इसको सजा सकते हैं, ये 100 mm हो गया आपका, ये 50 mm हो जाएगा, बी और डी कितना हो जाएगा 100, डी ए कितना हो जाएगा 60 mm, ये 60 mm हो जाएगा। फिर बी सी बराबर कितना हो जाएगा, बी और सी बराबर 75 mm हो जाएगा और ए बी बराबर 90 mm दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट दिया दो नंबर क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर 60 mm दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट को सबसे पहले ए बी बराबर क्या करेंगे, 60 mm खींच लेंगे, बिल्कुल इजी है। इस तरह से ए बी बराबर 60 mm खींच लेंगे ऐसे। फिर क्या दिया हुआ है आपका, बी सी बराबर 50 mm दिया हुआ है, मतलब सी ऊपर तरफ बनेगा। तो आपको क्या करना है, बी सी बराबर 50 mm, 50 mm डेढ़ सी में माप लेना है, एक चाप काट देना है जहां पे कटेगा आपका चाप को, लंबा से चाप काट देना है। चाप काटने के बाद आपको सीडी, सीडी देखिए सीडी और सी एफ डी तो दिया हुआ नहीं है अभी, तो इसको नहीं बनाएंगे अभी। फिर आते हैं हम लोग एसी में या बीडी, डायगोनल, डायगोनल दिया हुआ है मतलब विकर्ण दिया हुआ है। बीडी, बीडी देखिए यहाँ बी है, इधर डी होगा, कितना है 100 mm। क्या करना है, इसको 100 mm माप लेना है, चाप काट देना है जहां पर होगा बड़ा ऐसे चाप काट देना है। फिर एसी बराबर कितना दिया है, 80 mm दिया हुआ है। तो ए और सी इधर कितना होगा, 80 mm होगा, मान लेते हैं ये वाला भाग यहाँ पे आया, 80 mm माप लेंगे और चाप काट देंगे, चाप काट जाएगा। चाप काटने के बाद यहाँ पॉइंट निकलेगा, ये सी बन जाएगा, इसको क्या करेंगे हम इस प्रकार से मिला देंगे,
आप देखिए सीडी कितना दिया है 75 mm, तो यहां से हम 150 लेंगे, 150 से क्या करेंगे 75 mm माप लेंगे, जिधर होगा 75 mm इस तरह से हम लोग इसको मिला देंगे, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, डी बन जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, इस प्रकार से मिला देंगे, ये इस प्रकार से आपका मिल जाएगा, और ये वाला भाग क्या हो जाएगा, ये 80 mm हो जाएगा। एसी बराबर कितना है, 80 mm दिया हुआ है, बीडी बराबर कितना है, एसी बराबर 80 mm दिया हुआ है एसी, और बीडी बराबर जो है डायगोनल विकर्ण जो है वो कितना दिया हुआ है, 100 mm दिया हुआ है, ये 100 mm दिया हुआ है। फिर क्या दिया है, सीडी बराबर 75 mm, सी और डी ये 75 mm हो जाएगा आपका, फिर बीसी बराबर 50 mm, तो बी और सी ये कितना हो जाएगा 50 mm हो जाएगा, और ए बी बराबर 60 mm, तो ए और बी बराबर 60 mm दिया हुआ है, ए बी ए बराबर कितना डी ए नहीं दिया हुआ है, तो इसको छोड़ देना है आपको। तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, चतुर्भुज को बना सकते हैं, एग्जामिनेशन में अगर आ जाए तो आप इस प्रकार से इसको बनाइएगा। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए AB बराबर 84 mm, 84 mm दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, AB बराबर 84 mm, फिर BC बराबर 75 mm, 75 mm, और एंगल दिया हुआ है कोण ए बी सी बराबर 75 डिग्री, ये दिया हुआ है कोण डी ए बी, कोण डी ए बी बराबर कितना है 82 डिग्री, और कोण बी सी डी बराबर 110 डिग्री, तो ये आपका दिया हुआ है। कैसे बनाना है, सबसे पहले आप ए बी खींच लेंगे 84 mm, 84 mm ए बी पहले खींच लेंगे, ये ए हो गया, ये बी हो गया 84 mm, फिर बी सी बोल रहा है 75 mm, तो बी सी ये अभी निकला हुआ नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। आते हैं एंगल पे, सबसे पहला एंगल कोण ए बी सी, तो ये बी का मान कितना होगा 75 डिग्री होगा, ये वाला भाग क्या होगा 75 डिग्री, तो हम क्या करेंगे चांद को लेंगे, और चांद पे जहां पे होगा 75 डिग्री हम इसको माप के और इस प्रकार से रेखा खींच देंगे, बिल्कुल ही थीन लाइन में खींचेंगे, पहले इस प्रकार से रेखा खींच देंगे हम लोग, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा 75 डिग्री हो जाएगा। फिर बोल रहा है कोण डी ए बी बराबर 82 डिग्री, तो ए कोण जो है वो 82 डिग्री होगा, यहां पे हम चांद को रखेंगे, जहां पर होगा 82 डिग्री मेरा उसको क्या करेंगे इस तरह से लाइन खींच देंगे, ये कितना हो जाएगा 82 डिग्री। फिर बोल रहा है कोण बी बी सी बी, तो अभी सी निकला नहीं है, कैसे बनाएंगे इसको, सी निकालने के लिए क्या करना होगा, आप यहां पे आ जाइए, बी सी बराबर कितना है 75 mm, तो 150 में 75 mm मापेंगे, यहां से जहां पर होगा मान लेते हैं यहां पर हुआ था, हम इसको चाप काट देंगे, ये 75 mm का हो जाएगा, मान लेते हैं यहीं पर हुआ 75 mm हो जाएगा, तो ये सी पॉइंट निकल जाएगा मेरा। अब सी से बोल रहा है कि कौन सी जो है वो 110 डिग्री है, तो यहां पे हम चांद को रखेंगे और 110 डिग्री जिधर होगा ऐसे करके हम इसको मिला देंगे, ये भाग मेरा क्या हो जाएगा 110 डिग्री, यहां डी निकल जाएगा। तो ये मेरा चतुर्भुज क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से चतुर्भुज को बना सकते हैं एग्जामिनेशन में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।